वसई में धड़ल्ले से चल रहे हैं अवैध लेडीज बार, उड़ते नोटों पर बार बालाएं कर रही हैं ताता थैया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आज हम बात करने वाले हैं खुद को सिंगम कहने वाले पुलिस अधिकारी संपत राव पाटिल के राज में वसई अंतर्गत अवैध तौर पर धड़ल्ले से चलते आ रहे लेडीज बारों की। जी हाँ दोस्तों, कानून को धता दिखाते हुए वसई अंतर्गत धड़ल्ले से लेडीज बार चलाए जा रहे हैं और यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारित किए गए कानूनों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह वीडियो वसई में स्थित किसी लेडीज बार का है, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से बार बालाएं पैसे ले महफिल जमाने के लिए तैयार खड़ी हैं। आपको बता दें कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बार को लेकर कई प्रकार के नियम लागू किए थे। इसमें से एक नियम यह भी था कि बारों में डांस करने वाली बार बालाओं को टिप तो दी जाएगी लेकिन उन पर पैसे नहीं उड़ाए जाएंगे। परंतु वसई में स्थित 5 से 6 लेडीज बारों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किए गए इन कानूनों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है और पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे यहां पर लेडीज बार अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसी वसई में 2 साइलेंट बार भी खुले तौर पर चल रहे हैं, जहां पर अंधेरे में अश्लीलता फैलाई जाती है। इतना ही नहीं, इन बार में 200 रुपए में मिलने वाली शराब की बोतलें सीधा 700 से 800 रुपए में बेची जाती हैं। हमारे सूत्र ये कहते हैं कि यहां के बार माफिया बार बालाओं पर उड़ने वाले पैसों का 30% हिस्सा अपनी जेबों में डालते हैं। मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत मीरा रोड भाईंदर में चलने वाले तमाम अवैध बारों पर पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन वसई में चल रहे इन सभी अवैध बारों पर अभी तक ना तो कोई कार्रवाई की गई है और ना ही इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि वसई में चलने वाले इन तमाम अवैध बारों के 500 गज के दायरे के अंदर ही माणिकपुर पुलिस स्टेशन भी है, जिसके वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के पद पर संपत राव पाटिल कार्यरत है। परंतु उनके द्वारा ना ही इन अवैध बारों पर रोक लगाई जा रही है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और लगाया भी कैसे जाएगा, क्योंकि माणिकपुर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संपत राव पाटिल को रील बनाने से फुर्सत ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वह सिंघम गाने पर रोल करते नजर आ रहे हैं और बकायदा वीडियो शूट करवाते हुए रील बना रहे हैं और उनकी नाक के नीचे बार बालाएं लेडीज बार के अंदर उड़ने वाले नोटों की गड्डी पर ताता थैया कर रही हैं। वसई अंतर्गत बार में जाम पर माहौल बनाया जा रहा है और यहाँ के कुछ पुलिस अधिकारी बेहतरीन अभिनय करते हुए वीडियो बनाने में मशगूल हैं। हालांकि रील बनाना उनकी निजी जिंदगी है, परंतु अपने पेशे को बरकरार रख अपने कार्य के लिए सजग रहना उनकी जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि अब वसई अंतर्गत बार में होने वाली इन अवैध प्रक्रियाओं का भंडाफोड़ होने के बाद PI संपत राव पाटिल रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ में सिंघम बनते दिखाई देंगे और वसई में अवैध रूप से चल रहे इन तमाम डांस बारों पर जल्द से जल्द प्रतिबंध लगाएंगे। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।